السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. क्या हाल है आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी हम भी सब खैरियत से, शुक्र है. हदीस बयान हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करता हूँ कि जो हमारे बड़ों का एहतराम न करे, जो हमारे बड़ों का एहतराम ना करे, ठीक है, और छोटों पर शफकत ना करे, रहम ना करे, तो उसका हमारे से कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है. नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कानों को पकड़ के कहता हूँ. ये कौन ज़माने हैं? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनने हमें इस्लाम सिखाया, हमें बताया कि अल्लाह एक है, तो वो फरमा रहे हैं, तो उसे गौर करना चाहिए. एक तो इसमें ये आया कि रहम करना चाहिए, ठीक है जी. और रहम से एक और हदीस पाक याद आ गई, जो पहले भी जिक्र हुई थी, अल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम अल्लाह भी नहीं करता, यानी उस पर भी रहम नहीं किया जाता. तो बस हाँ, बड़ों का अदब, बड़े को बात कहें तो अगर आपको इख्तलाफ है, आप कुछ दलील पेश करते हैं और आराम से ऊंची लहजे में नहीं बोलना. अगर आप कभी बोले हो जिंदगी में, तो वालदैन से माफ़ी मांग लें, उनके पैर पकड़ लें, क्योंकि अगर बिना माफ़ किए चले गए तो आपको बहुत सजा भुगतनी पड़ेगी, दुनिया में भी और आखिरत में. तो बहरहाल, बंदों के हकूक़ की बहुत अहमियत है और अल्लाह के हकूक नहीं है, लेकिन हकूकुल इबाद की बहुत ज़्यादा अहमियत है, याद रखिएगा. आते हैं अपने रिव्यू की तरफ. बाद रिवायात में आया है कि आका अलैहिस्सलाम के पसीना मुबारक जो खुशबू थी वो गुलाब जैसी थी. बाद रिवायात में आया है मोती जैसी थी, लेकिन ज़्यादा वो गुलाब की जो है ना वो. तो मैं ये कह रहा था कि गुलाब की बड़ी अहमियत है, तो वैसे तो हर खुशबू की अहमियत है. अच्छा, गुलाब के बारे में आज आपको एक अजीब और हैरत अंगेज बात बताऊंगा. ये जो मिट्टी होती है ना, जिस पे काश्तकारी होती है, इस काश्तकारी में मिट्टी का भी बड़ा असर होता है और गुलाब की खुशबुएं भी बदल जाती हैं. ये अगर आप मेरे सामने अगर आप दिखा सकें तो ये देखिए, इसका क्या नाम है, मैं राउंड करता हूँ इसको. ये गुलाब मक्की है, ठीक है जी, गुलाब मक्की. इसका यानी इसको मैं बताता हूँ क्या मामला है. अब जरा इसको भी देख लें, ये लिखा हुआ है, थोड़ी सी फैल गई थी, इस्तंबोली गुलाब. क्या लिखा हुआ है? इस्तंबोली गुलाब. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में फर्क क्या है. ये तकरीबन पाकिस्तान में जो गुलाब मिलता है ना, उससे मिलती जुलती है, ठीक है. इसको हम पाकिस्तानी गुलाब कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली इम्पोर्टेड है और तुर्की में ये वहां काश किया जाता है. इसको बहुत अच्छी फाइन खुशबू है. अच्छा, अब जो है गुलाब मक्की का मामला है, ठीक है ना. तो गुलाब मक्की जो है ना, तो इसको भी देख लेते हैं, इसके नोट्स कैसे हैं. इसके नोट्स बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अरब की जो जमीन है उसके वैसे भी एक सआदत हासिल है, नस्बत हासिल है हरमैन शरीफैन की. तो अब तक सूख गया होगा, मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ. सुभान अल्लाह, दोनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है. तो अलबत्ता मैंने बताया ना, इस तरह ये पहला जो था इस्तंबोली गुलाब, थोड़ा सा हमारा पाकिस्तान जैसी इसकी खुशबू थी. तो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर काम हो रहा है, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत अता फरमाए. दुआ किया करेंगे जो आपके साथ एक सिलसिला बना है ये जुड़ा रहे, और आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब
लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अच्छा, सब्सक्राइब में एक चीज है, आपने ऑल का बटन दबाना है। घंटी, जब आप घंटी पर बेल पे रखेंगे ना तो तीन चार ऑप्शंस आ जाती हैं, लेकिन आपने ऑल के बटन में दबाना है ताकि आपको मेरी हर वीडियो बगैर किसी रुकावट के मिल सके और हमारा नाता जुड़ा रहे। तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह, और फिर कोई ज़िंदगी मेरी तो इंशाल्लाह कल फिर हाजिर हो जाऊँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।